Hey guys, myself Dr. Ashish Gupta. I welcome you all in the Textbook Super Coaching CSIR Net platform. CSIR Net Life Sciences की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसका जो सिलेबस है उसमें आपको पता कि 13 यूनिट्स हैं, तो उन 13 यूनिट्स के लिए अगर आप बेस्ट रेफरेंस बुक को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट के लिए कौन सी रेफरेंस बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आओ डिस्कस करते हैं। एक बार पहले सिलेबस को अगर आप नजर डालो तो सिलेबस में आपको पता कि 13 यूनिट्स डिफाइन की गई हैं सीएसआई नेट के थ्रू, और उनमें से अगर आप देखोगे तो जो पहली यूनिट आपको नजर आ रही है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रिलेवेंट टू द बायोलॉजी, ये यूनिट जनरली है आपकी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट। ऐसी सेकेंड सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो थर्ड में लिखा गया वो फंडामेंटल प्रोसेसेस, वो है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की यूनिट। और यूनिट फोर में आप देखो सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग और साथ के साथ यहाँ पर इम्यूनोलॉजी भी पढ़ना है आपको। फिर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ आओगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ये आपकी जेनेटिक्स की यूनिट है। तो आप एक एक करके देख लेते हैं कि किस यूनिट के लिए आप कौन सी बुक प्रेफरेंस पर ला सकते हो। आओ बात करते हैं। अगर आप यूनिट वन यानी कि बायोकेमिस्ट्री के लिए अगर आप बुक देखोगे तो सबसे बेस्ट बुक अगर आप यहाँ पर है तो वो आप लेनिंजर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर किया गया है, साथ के साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको प्रेफरेंस दें बायोकेमिस्ट्री यूनिट वन और साथ के साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ पोर्शंस के लिए। यूनिट टू और फोर, क्योंकि यूनिट टू आपकी सेल बायोलॉजी है और यूनिट फोर में आपको सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन पढ़ना है, तो इन दोनों के लिए अगर आप देखोगे तो कुछ दो तीन बुक्स बहुत बेस्ट हैं। जैसे एक बुक है आपकी कूपर की, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं इसको। ऐसी अगर आप और देखना चाहें तो एल्बर्ट की बुक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल यूनिट टू एंड यूनिट फोर, साथ के साथ यूनिट थ्री के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। या फिर अगर आपको और बुक देखनी तो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाई लॉडिस, ये जो तीन बुक मैं बता रहा हूँ ये भी यूनिट फोर टू एंड फोर के लिए, आप इन तीनों बुक में से एक टाइम पर कोई भी एक बुक प्रेफरेंस में ले आए। जो भी आप जिस भी बुक का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, डायग्राम आपको पसंद आ रहे हैं, उस किसी एक बुक से आप अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तीन ऑप्शन है आपके पास, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। यूनिट थ्री के लिए जो बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत चीजों को क्लियरिटी से समझाया गया है, वो आपका जेम्स वॉटसन की बुक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, बहुत ही बढ़िया बुक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप कोशिश करें कि आप अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को इस बुक से क्लियर करें। फिर यूनिट फोर में जैसे मैंने अभी आपको बताया सेल सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन, साथ के साथ इम्यूनोलॉजी भी है वहां पर। तो इम्यूनोलॉजी के लिए आप सबसे बेस्ट बुक जो कंसिडर की जाती है वो है आपका क्यूवे की इम्यूनोलॉजी। आप क्यूवे पढ़ें, बहुत अच्छे से इम्यूनोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर होने वाले हैं यूनिट फोर के लिए। यूनिट फाइव डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, इसमें आपका जो मेजर पोर्शन है वो एनिमल डेप बायो का है और थोड़ा बहुत पोर्शन आपका प्लांट डेप बायो का है। तो अगर आपको एनिमल डेप बायो के कॉन्सेप्ट पर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से करनी है तो आप गिलबर्ट की बुक यूज करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाय द गिलबर्ट, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं इसी बुक से। यूनिट सिक्स जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी है और इसमें आपका एंड डेवलपमेंट, ये आपकी बुक तेज एंड जिगर की, आप इससे कंटेंट उठाएं। यूनिट सेवन जो आपका एक एनिमल आपको लिखा गया सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल करके, तो यहां पर आपको पढ़ना है गाइटन एंड हॉल की मेडिकल फिजियोलॉजी, या फिर एक और बुक आप पढ़ सकते हो गेनोम की मेडिकल फिजियोलॉजी। दोनों ही बुक्स के कंटेंट बहुत बेस्ट हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। यूनिट एट जो आपकी जेनेटिक्स है, यूनिट एट के लिए आप बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं या ऑनलाइन कंटेंट पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं और प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए बुक है नस्टर एंड सिमोन्स की। ठीक है, यूनिट नंबर नाइन जो आपका डायवर्सिटी है, सारे डायवर्सिटी के कॉन्सेप्ट आपको इस बुक में मिल जाएंगे जो आपका पीटर रेवन की बुक है, आप इसको कंसिडर करें। यूनिट टेन के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं इकोलॉजी के लिए ऑडम की बुक, या फिर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं पीटर स्टेलिन की बुक को यूनिट टेन के लिए। यूनिट इलेवन जो इवोल्यूशन है, इसके लिए आप फोकस करें मार्क रिडले की बुक को, अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट आपके सारे इवोल्यूशन के क्लियर हो जाएंगे।
यूनिट 12 और 13, यहां पर आपके पास एप्लाइड बायोलॉजी और जो टेक्निक्स का जो कॉमन सेक्शन है 12 एंड 13 में, उसके लिए आप कंसीडर कर सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक्स बाय प्रिमरोज। एंड इसके बाद टेक्निक्स के लिए भी अगर आपके लिए बुक्स कंसीडर करनी, तो ये विल्सन एंड वॉकर की बुक आप कंसीडर करें, ये आपका टेक्निक्स वाले पोर्शन को आपका क्या करेगा, कवर अप कर देगा। तो अगर अगर आप अभी एमएससी पर हैं और आगे जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और एमएससी पर हैं, तो आपके लिए सफिशियंट टाइम होगा बुक्स पढ़ने के लिए, या अभी अभी आपने तैयारी की है सीएसआई नेट जेआरएफ की, तो आप फोकस करें, इन बुक्स को अपने साथ कंसीडर करें, इनका पीडीएफ अपने पास रखें या इनकी हार्ड कॉपी आप अपने पास रखें, और आपको जिस बुक का कंटेंट अच्छा लग रहा है आप उस बुक के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को इनहेंस करें और एग्जाम को क्रैक करें। ठीक है, थैंक यू ऑल।